Define the terms impact parameter and distance of closest approach for an alpha particle in Zeijer-Marsden scattering experiment. Second, what will be the value of impact parameter for scattering angle A theta is equal to 0 degree and theta is equal to 180 degree. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि Zeijer-Marsden का जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल दिया गया था, वो इन्हीं दो लोगों के एक्सपेरिमेंट पे दिया गया था. किसके? Zeijer और Marsden जी के एक्सपेरिमेंट पे. तो इन्होंने कहा उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बताना है. बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या था? Zeijer और Marsden एक्सपेरिमेंट जो था वो ये बताता था कि अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं, कहां बम्बार्डमेंट कराते हैं? गोल्ड फॉइल पे. किस पे कराते हैं बच्चों? गोल्ड फॉइल पे, है ना. ये गोल्ड फॉइल है और अगर इस पे हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो बताया था ना इन्होंने कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ एटम का मोस्टली स्पेस क्या है? इम्प्टी है. जबकि इन्होंने बताया था कुछ अल्फा पार्टिकल जब आते हैं तो किसी एंगल पे ऐसे मुड़ जाते हैं. तो जब मुड़ जाते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, किसी एंगल पे, तो इस चीज को जिस एंगल पे वो अल्फा पार्टिकल मुड़ते हैं उसको इन्होंने बोला था कि ये स्कैटरिंग एंगल कहलाता है. ये थीटा होता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, ठीक है. और इसी के बेसिस पर इन्होंने ये दोनों डेफिनेशन बताई थी. तो इन्हीं को, दोनों डेफिनेशन को हमको समझना है, ठीक है. तो बच्चों, हमको इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बतानी है. तो ये रदरफोर्ड मॉडल में गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवा के कुछ ऐसे रिजल्ट पाए गए थे. तो बच्चों, इस तरह से जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, उसी से पता चल रहा था कि हाँ मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मतलब मोस्टली स्पेस क्या है एटम में? इम्प्टी है. और कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ जाते थे, जिससे पता चलता था बहुत छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज. फिलहाल अभी हमको उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको इसके लिए ये डेफिनेशन बता दिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है. तो बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये गोल्ड फॉइल है तो यहाँ पे कुछ भाई अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं. मान लो ये गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड के एटम्स हैं लाइन से लगे हुए, क्योंकि फॉइल बहुत थिन मानी जाती थी. क्यों? क्योंकि ताकि एक जगह पे एक ही एटम हो, एक एक एटम के ऐसे लेयर बन जाए, ऐसा कुछ है ना. तो मान लीजिए कोई एक गोल्ड का ये एटम है, ये गोल्ड है, ठीक है, का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, और यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आता है इसके पास से. तो अगर ये अल्फा पार्टिकल बच्चों ऐसे सीधे चला आ रहा है तो क्या होगा बताऊं? जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास से निकलेगा, ठीक है, पास से निकलेगा तो क्या होगा? ऐसे यहां से मुड़ जाएगा बाहर. क्यों? क्योंकि जब इसके पास आएगा तो यहां से क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा. प्लस है ये, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. इसके सेंटर पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? जेडी. जहां जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर. जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन से ऊपर तरफ फोर्स लगा देगा, वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब उस पर फोर्स नहीं लगा रहा था उस समय, इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर है, और इस एटम के सेंटर लाइन, मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से जाने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर. मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर सीधा, मतलब ये वाली डिस्टेंस. तो द डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर लाइन फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब यहां पे अगर गोल्ड फॉइल लगाए तो गोल्ड के न्यूक्लियस की बात हो रही, कोई और फॉइल लगा दो तो उसके न्यूक्लियस की, मतलब जो भी न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस की सेंटर लाइन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बच्चों बताते हैं इंपैक्ट पैरामीटर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर. तो क्या इंपैक्ट पैरामीटर डेफिनेशन क्लियर हो गई? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू द सेंटर लाइन ऑफ द एटम इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर. और अगर सोचो ये वी वेलोसिटी से आया और यहां से बच्चों ये थीटा एंगल पे मुड़ गया, इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया, जिस एंगल से
अल्फा पार्टिकल मुड़ता है, बेंड होता है, टर्न होता है उसका पाथ, इस एंगल को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। और स्कैटरिंग एंगल और इंपैक्ट पैरामीटर के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ये रिलेशन होता है बी बराबर 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको के से भी लिख सकते हो, या कुछ बुक्स में इसको और थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिखा गया है 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान में हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर m क्या है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और v क्या है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये रिलेशन भी बच्चों लिखा जा सकता है। तो b का ये फार्मूला देखे, ध्यान रखना। अभी इसके बेसिस पर इसके सेकेंड पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी डेफिनेशन बच्चों हमसे पूछी गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होती? तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल, अभी तो किसी थोड़ी डिस्टेंस पे जा रहा था तो उस पर फोर्स लग गया, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से उसका पाथ ऐसे चेंज हो गया, रिपल्सन से दूर चला गया, है ना। अब अगर सोचो ऐसा कि एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट इसके सेंटर की डायरेक्शन में आ रहा हो, ऐसे सीधा सीधा क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, है ना। मान लीजिए कोई एक ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस गोल्ड न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने कोई अल्फा पार्टिकल यहां चला आ रहा है, और इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है के, कि उसकी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहीं से हाई वेलोसिटी से डाले जाते हैं ना, बम्बार्डमेंट कराया जाता है गोल्ड फॉइल पे, तो ये कोई आ रहा है, ठीक। और ये सपोज करो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, चूंकि अल्फा पार्टिकल है तो इस पर कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे बच्चों कैसा है? गोल्ड फॉइल, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है इस पे भी क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज, जेडी, जेड है एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतना चार्ज इसके सेंटर पे, ये इसके सामने आ रहा है। तो पहले जब बहुत दूर है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है दो चार्ज के बीच? यू बराबर 1/4πε0 q1 q2 / r, तो अपान में आर होता है, तो आर बहुत ज्यादा है पहले, तो मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? जीरो, ध्यान रखना, पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम। अभी अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहा, जैसे जैसे पास आएगा डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो चार्ज q1 और q2 हैं, वो r डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है? 1/4πε0 q1 q2 / r2। इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, इस पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इसके मोशन को स्टॉप कर देगा। जब मोशन स्टॉप हो जाएगा मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट हमने तो पढ़ा है काइनेटिक कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो बच्चों हुआ क्या है कि जब वो पास आएगा जैसे ऐसे, तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2 / r। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो यू बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं जैसे जैसे वो पास आ रहा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी घट रही, और वेलोसिटी घट रही मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही? बढ़ रही। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके यहां पास में आ गया, कितनी दूरी पर हो गया बच्चों? आर नॉट डिस्टेंस पर हो गया, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक के बराबर हो गई। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई? पूरी, मतलब जो काइनेटिक थी वो पूरी की पूरी क्या बन गई? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच इज द डिस्टेंस एट विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो जाती है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों फार्मूला कैसे निकालते हैं? भाई जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को पोटेंशियल बराबर कर दो। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है इसके लिए बताओ? 1/4πε0 q1 मतलब अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? दो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। q1 यानी कि 2e। q2 का मतलब ये क्या है बच्चों?
ये जेड ई अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आर नॉट, ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो बच्चों के हमेशा पता रहता है, आर नॉट निकालना होता है, यानी कि इसको इसके बराबर अगर करोगे तो आर नॉट की वैल्यू वहां से निकल आएगी 1/4π0 टू जेड ई स्क्वायर अपान के। कैसे है पता चला, इस वैल्यू को के बराबर करो, बराबर के को नीचे ले और नॉट को ऊपर ले जाओ, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आर नॉट का ये फार्मूला भी होता है जैसे क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फार्मूला होता है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको बताया गया है कि दो कंडीशन है ऐसी, ठीक है, और उसमें इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कब, जब थीटा की वैल्यू जीरो है और फिर जब थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट। तो बच्चों देखिए हम यहां पे बात कर लेते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हटा दे बच्चों, देखो यहीं पे इतने मिसाल पर हमसे कह रहे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर का ये फार्मूला है 1/4π0 जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू, थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल है, अपान में काइनेटिक एनर्जी जो भी हो वो यूज कर लेंगे। तो बच्चों जब थीटा जीरो है तो उस समय बी की वैल्यू क्या आएगी, जरा हमको बताओ, बी की वैल्यू आएगी 1/4π0 जेड स्क्वायर कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो अपान टू, तो जीरो अपान टू तो जीरो ही रहेगा, अपान काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहां से बी की वैल्यू आप देखेंगे इनफाइनाइट आएगी, क्यों, क्योंकि कॉट जीरो जो होता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसी वजह से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। सो इस इंपैक्ट पैरामीटर विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो, इस समय जो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी, बस इतना समझो, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उनके कंपेरिजन में काफी ज्यादा होगी, बस इतनी सी बात, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों इसमें पूछा गया है कि अगर मतलब स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 180 हो जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा। सोचो जब थीटा 180 होगा यहां पे रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ हमको, यह आएगी 1/4π0 जेड स्क्वायर कॉट 180 अपान टू अपान में काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बी की वैल्यू आएगी 1/4π0 ठीक है जेड स्क्वायर, ये क्या बनेगा कॉट 90, कॉट 90 अपान काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है जरा हमको बताओ, जीरो होती, तो जब यहां जीरो रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो मिल जाएगी, तो यहां पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। सो द डिस्टेंस ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर विल बी जीरो व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज 180, ठीक है, जब स्कैटरिंग एंगल 180 होगा तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, और जब स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री होगा उस समय इंपैक्ट पैरामीटर कितना मिलेगा इनफाइनाइट। और ये दोनों डेफिनेशन और इनके फार्मूले भी आपको क्लियर होने चाहिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।